कृपा नगर से कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक सुमित्रा कास्टीकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कास्टीकर ने कहा कि कांग्रेस ने विकास के कामों में रुचि नहीं ली और हमेशा उनकी उपेक्षा की। क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में जनप्रतिनिधियों का दम घुट रहा था। वहीं पूर्व विधायक कासडीकर ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, पूरे नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में उसका जमकर विरोध किया गया और पूर्व विधायक का पुतला दहन किया गया। नेपानगर से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। और पैसे की लालच में, पैसे के लोभ में, साथ ही जो नोट कांड जिसके बारे में पेपर में आप लोगों ने प्रमुखता से बात को छापा था, जो उन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता जरूर होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको उसका हवाला देकर और कांग्रेस से इस्तीफा दिलवाया गया। इस घटना की नगर कांग्रेस कमेटी के साथ ही हमारी महिला बहनें, पार्षद भाई और तमाम जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस के तमाम लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत से दिन रात एक कर कर एक गरीब आदिवासी महिला को जो सम्मान दिया था, ये अपमान नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम मतदाताओं का सच्चे अर्थों में जिन्होंने इन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा, उसके साथ ही कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं उन सब लोगों का अपमान है। इस बात के लिए आने वाले चुनाव में निश्चित ही हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार ही वापस विजय श्री प्राप्त करें। कल तक आप इनके विधायक के आगे पीछे चलते थे और आज आपके कार्यकर्ता और आपके द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है और उनके पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं कि इनके पति द्वारा गबन किया। क्या इसके पहले कांग्रेस और आप लोगों को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई थी कि आपके विधायक के इस प्रकार से अवगुण और जिनके साथ में आप लोग चल रहे हैं? जब कोई किसी ने अगर हमारी पार्टी इस्तीफा दे दिया, किसी विधायक ने, किसी पदाधिकारी ने, तो उससे हमारा संपर्क संबंध टूट जाता है। इस बात को आप मानते कि कांग्रेस में खड़े होते समय भी उनके ऊपर ये सब चीज़ों के आरोप थे, उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, फिर आप लोगों को ये सब जानकारी थी? ये उस समय जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद लोगों ने बताना चालू किया कि इनका ये फॉल्ट भी था, ये फॉल्ट भी था, तमाम बातें अब उभर कर आ रही है। कल तक जब वो कांग्रेस में थी तो तमाम बातें हमारे नॉलेज में नहीं थी, अन्यथा हम उस समय उसको प्रकट कर देते। विधायक रहते आपने क्यों नहीं ये सब किया? उस समय हमको मालूम नहीं था कि ये इतनी संलिप्तता इनमें है, ये सब इन तमाम बातों में इनकी भागीदारी है, इन्वॉल्वमेंट है। सोशल मीडिया पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी की जा रही है, एक महिला होने के नाते क्या ये सब चीज़ें जायज है? महिला कोई महिला यदि महिला जैसा व्यवहार करे तो उसको महिला का सम्मान दिया जाना चाहिए। महिला अगर निचता की हद पर उतर जाए, कमीने पद की तमाम सीमाएं पार कर जाए, तो ऐसी महिला को कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए आप समझ सकते हैं। आपके द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि ये व्यवहार सही है? ये कार्यकर्ता का मन का व्यक्तिगत भावना आरोप है, आक्षेप, उनके मन की पीड़ा है जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाई है, उसको आपके व्यक्तिगत विचारों को ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना कोई रोक सकता। थैंक यू, धन्यवाद।